हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा पोको एफ ऑन मोबाइल को आप हार्ड रिसेट कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास पोको एफ ऑन फ़ोन है और यहाँ पे जो बटन है वो मैं भूल गया। अगर आप लोगों के पास साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आज मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा कैसे हार्ड रिसेट कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को निकाल लेना है। इसके बाद में फ़ोन को ऑफ़ कर देना है, ठीक है। पावर ऑफ़ करने के बाद में ये काम होगा। तो यहाँ पे मैं पावर ऑफ़ कर रहा हूँ। तो पावर ऑफ़ करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम माइनस और वॉल्यूम प्लस, जो वॉल्यूम ऊपर नीचे वाला, यहाँ पे पावर बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस वाला बटन और यहाँ पे पावर बटन दोनों को एक साथ में प्रेस करना है, और माइनस बटन जो है उसको प्रेस नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रेस करके रखने के बाद में यहाँ पे जब तक लाइट आ जाएगा तब तक ये पावर बटन को हाथ उठा लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं कर दिया, तो यहाँ पे लाइट आने के तुरंत ही आपको पावर बटन से हाथ हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेन मेनू पे आ गया। मेन मेनू पे आने के बाद में यहाँ पे जो वॉल्यूम माइनस का बटन है, नीचे वाला बटन है वॉल्यूम वाला, तो इसको एक बार प्रेस करना है जो नीचे आएगा। इसे डिस्प्ले काम नहीं करेगा, तो ये प्लस माइनस ही ऊपर नीचे लेके जाने के लिए काम करेगा। तो ओके बटन दबाने के लिए पावर बटन को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ, आप लोग देख सकते हो। वाइप ऑल डाटा, यहाँ पे भी ओके करना है, तो ओके मतलब पावर बटन को प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के लिए आप लोगों को नीचे लेके आना होगा ग्रीन जो तो यहाँ पे कैंसिल पे है, इसको नीचे लेके आना होगा। तो इसको नीचे लाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये बोलिया माइनस का नीचे वाला प्रेस करना होगा। तो ये नीचे आ जाएगा, तो आप लोगों को पावर बटन प्रेस कर देना है, तो ओके हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये डाटा फैक्ट्री हो रहा है, तो ये कितना परसेंट हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हो डाटा वाइप सक्सेसफुली। यही पे बैक टू मेन मेनू, तो यही बैक टू मेन मेनू जाने के लिए आप लोगों को पावर बटन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे करने के बाद में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेन मेनू एम आई रिकवरी 3.0, यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है रिबूट, तो यहाँ पे ही ओके करना है। तो ओके करने के लिए आप लोगों को पावर बटन को दबाना होगा। करने के बाद में यहाँ पे रिबूट, तो यहाँ पे बैक टू मेन मेनू भी है, आप लोगों को पहले वाला ही करना है रिबूट टू सिस्टम, तो यहाँ पे ही करना है। तो आपका जो स्क्रीन लॉक है वो हट जाएगा, मोबाइल नया जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करने के लिए आप लोग यहाँ पे पावर बटन को प्रेस कर देना है। करने के बाद में ये तो पावर बटन ऑन करने के बाद तो पावर बटन प्रेस करने के बाद तुरंत ये लोगो आ जाएगा और ये जो डाटा फैक्ट्री रीसेट है वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एम आई यू आई, तो ये आ गया। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं आप लोगों को लास्ट तक दिखा दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो यहाँ पे एम आई यू आई आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद में आपको सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ऑन हो गया, तो यहाँ पे ये रेडियो हो गए यू आर एलोन। तो यहाँ पे करना है ओके। ओके करने के बाद में यहाँ पे सोर्स योर लैंग्वेज, तो ऑलमोस्ट रेडी है। तो आप लोग यहाँ पे अपना रीजन सिलेक्ट कर देना है, तो ओके करने के बाद में रीजन सेटिंग, थोड़ा सा टाइम लेगा। पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो आई हैव रीड एंड एग्री यूज़र एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी, इसको क्लिक करने के बाद ये आगे जाएगा, तो ओके कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे सिम कार्ड का चेक कर रहा है, तो इसको आपको क्या करना है ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद में यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये कनेक्ट नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद में आपका थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो गूगल सर्विस की तरफ से ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। करने के बाद में जस्ट ए सेकेंड, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है आप, तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। स्क्रीन लॉक भी हट जाएगा, आपका जो भी लॉक था वो हट जाएगा, डाटा भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपको मोबाइल फ्रेश हो के मिलेगा, ठीक है। आप मोबाइल जैसे नया खरीदते थे तो ऐसे ही मिलेगा। तो यहाँ पे सेट ए पासवर्ड, आप यहाँ पे पासवर्ड भी लगा सकते हो, फिंगरप्रिंट लगा सकते हो या और स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्किप कर दिया, तो यहाँ पे एक ओके कर देना है। थोड़ा सा नीचे एडिशनल सेटिंग, यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन का थीम है वो आप लोग एग्री कर सकते हो। यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे सोर्स थीम, जो डिस्प्ले थीम है वो कौन सा रखना चाहते हो, तो यहाँ पे तीन थीम है, यहाँ पे क्लासिक, पोको और तो यहाँ पे लास्ट वाला है लिमिटलेस। तो मैं एक क्लासिक ही रखना चाहता हूँ, तो ओके कर देते हो। यहाँ पे करने के बाद में सेटअप कंप्लीट, यू आर रेडी टू रॉक, तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी स्क्रीन पे कोई भी लॉक नहीं आएगा, आपका बिंदास आप यूज़ कर सकते हो बिना लॉक का। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया, तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड का टाइम दिखा रहा है। तो ये होने के बाद में आपका मोबाइल पहले जैसा हो जाएगा, तो ये रिफ्रेश होकर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है, ऐप्स को लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब रेडी हो गया। यहाँ पे कोई भी स्क्रीन लॉक नहीं आया, यहाँ पे मैंने पावर बटन प्रेस कर दिया, यहाँ पे लॉक भी नहीं आया। और आपका जितना भी डाटा था वो तो ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपका लॉक नहीं आएगा और मोबाइल भी फ्रेश होकर आ जाएगा। इसके बाद में आप सेटअप वगैरह कर सकते हो, ईमेल आईडी वगैरह अकाउंट वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।